पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल जनपद में बीते 9 मई को थाना हयात नगर क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया, जिसमें खुलासे में बताया गया कि जिस युवक पर लूट का आरोप लगाया गया था उससे पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक किसी युवती के चक्कर में घर में दारू के नशे में घुस गया था। उसके बाद वहां के लोगों ने युवक को पकड़ लिया और आरोपी की पूरी तरह पिटाई कर दी और बाद में आरोपी पर 11,65,000 रुपए लूट का आरोप भी लगाया। रात में पुलिस को सूचना करने के बाद पुलिस को युवक को सौंप दिया गया और उसके खिलाफ एक तहरीर दी थी। 14 वर्ष के सोनू किशोर पर आरोप लगाया घुसकर 11,65,000 लूट का आरोप। किशोर सोनू के घर वालों ने भी गलत फंसाने के आरोप में एक तहरीर दे दी गई थी और पुलिस गुहार लगाई कि हमारे बेटे को फर्जी फंसाया जा रहा है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई। पुलिस ने खुलासा कर युवक को मारने पीटने और पुलिस को फर्जी लूट की सूचना देने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी पंकज पांडे ने किया खुलासा। देखिए, इसमें एक जाकिरपुत मुबारक नई बस्ती हरनगर द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी कि उनके घर में सोनू नाम के बच्चे ने 11,65,000 रुपए चोरी कर लिए और उसको मौके पर पकड़ लिया है। और एक तहरीर जो है सोनू के पिता द्वारा दी गई कि वो उनके बच्चे को इन लोगों ने मतलब घर में बंद करके मारा पीटा है। जब दोनों प्रमाणपत्रों की जाँच की गई, सभी तथ्यों के का अवलोकन किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो ये तथ्य पाए गए कि जाकिर द्वारा जो है गलत सूचना दी गई 11,65,000 रुपए चोरी कर लेने की या लूट ले जाने की बात एकदम गलत पाई गई। इस तरह की कोई घटना नहीं घटी, बल्कि सच ये था कि इसमें सोनू के घर में रात में शराब के नशे में घुसने और घर में महिलाओं के होने के, तो इस आशंका के तहत कि शायद ये किसी महिला या लड़की के वजह से घर में घुसा है, उन्होंने उसको बंद करके मारा पीटा, तो ये घटना गलत पाई गई है। और इसमें जो सोनू के पिता द्वारा तहरीर दी गई उसमें कार्रवाई हो रही है और वादी द्वारा जो गलत सूचना दी गई है उसमें वादी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई जो बनती होगी वो की जाएगी।